पैन कार्ड को आधार कार्ड से किस तरीके से लिंक किया जाता है, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मैं दूंगा। साथ ही ये भी बताऊंगा कि कितनी कम से कम फीस में ये लिंक हो सकता है। इसके अलावा ये भी बताऊंगा कि इसकी सारी जानकारी किस तरीके से रखी गई थी और कब कब ये अप्लाई करना चाहिए था आपको, जिससे आपका ये काम फ्री में भी हो सकता था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं किस तरीके से ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करना है हमें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक भी करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। दोस्तों 29 मार्च 2022 को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा एक गाइडलाइन निकाली गई थी, जिसके अंदर आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने के लिए नोटिफिकेशन रखा गया था। लेकिन आम जनता को इस चीज़ों का ज़्यादा गौर नहीं दे पाए। जिन लोगों ने इस चीज़ पे ध्यान दिया वो लोग आसानी से अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक करा पाए, जो कि उस समय फ्री ऑफ कॉस्ट था। लेकिन 29 मार्च के बाद यानी कि 30 मार्च से लेकर 30 जून 2022 तक पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की जो फीस थी वो 500 रुपये तक रखी गई थी। लेकिन इस समय अवधि के दौरान भी काफ़ी लोगों ने इस चीज़ पर गौर दिया और कई लोगों ने इस पर गौर नहीं किया। आज की डेट में इसकी फीस 500 रुपये से लेके 1000 रुपये कर दी गई है, यानी कि 31 मार्च 2023 तक अगर आप अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक नहीं करवाते हैं तो इसका बहुत मोटा जुर्माना आप लोगों को भरना पड़ सकता है। 31 मार्च 2023 तक का समय आपको पास मिल रहा है, यानी कि आपके पास अभी करीब 1 महीना है। 1 महीने के अंदर आप अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक करवा सकते हैं, जिसकी फीस मात्र 1000 रुपये रखी गई है। ये करना किस तरीके से, इस एक सिंपल सी वीडियो में मैंने आपको सारी जानकारी दी है, प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप फिल करके बताया है, जिस तरीके से आप अपना घर पर बैठे बैठे भी आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कर सकते हैं। इस विषय में अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वहां मैं आपके सभी प्रश्नों के सारे उत्तर देता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और जानते हैं किस तरीके से आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कराया जा सकता है। किसी भी गूगल ब्राउजर पे आना और टाइप करना ई फिलिंग। ई फिलिंग सर्च करते ही आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की मेन वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। जो वेबसाइट होगी आपकी वो eportal.incometax.government.in के नाम से देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे फर्स्ट पेज पे आपको क्लिक करना है, देन फिर से होम पेज पे आपको यहाँ क्लिक करना है। अब होम पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कुछ ऑप्शन, जैसे कि ई वेरीफाई रिटर्न, लास्ट सेकंड नंबर पे लिंक आधार स्टेटस। ठीक है, अब यहाँ पे आपको अपना जो आधार स्टेटस है पैन कार्ड के साथ वो जरूर चेक कर लेना है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। और सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना पैन नंबर डालना है, देन यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। ये दोनों डालने के बाद आपको यहाँ व्यू लिंक आधार स्टेटस पे क्लिक करना है। किस तरीके से चेक होता है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही अपना पैन नंबर आधार नंबर डाल देंगे तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है आपको ब्राइट होता हुआ दिखेगा, व्यू लिंक आधार स्टेटस। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा पैन नॉट लिंक विद आधार, प्लीज क्लिक ऑन लिंक आधार लिंक टू योर आधार विद पैन। ठीक है, तो ये कहना चाहता है कि आपका जो पैन कार्ड आधार कार्ड है वो लिंक नहीं है आपस में, कृपया इसे लिंक करें। अब ये क्वेश्चन ये उठता है सबसे बड़ा कि क्या ये सभी में ऐसा हो रहा है? दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कई सारे पैन कार्ड आधार कार्ड एक साथ चेक करे हैं, ऐसा सब में नहीं हो रहा है। ये सिर्फ उन्हीं के साथ हो रहा है जिनके पैन कार्ड 2015-14 से पहले के बने हुए हैं, जो कि आधार कार्ड के द्वारा नहीं बने हुए थे, या आधार कार्ड में अपडेशन हुई तो वो अपडेशन पैन कार्ड में नहीं हो पाए, जिस वजह से ये सब कुछ हमें देखने को मिल रहा है कि हमें अपना पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक कराना पड़ रहा है। लेकिन इस स्कीम के तहत सरकार को जो चार्ज है वो थोड़ा कम लेना चाहिए था। मैं ये मानता हूँ ये चार्ज बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि 1000 रुपये का चार्ज किसी भी पॉकेट से निकलना कोई छोटी बात नहीं होती। उनका उनका जो मंथली बैलेंस है उसमें से कहीं ना कहीं उन्हें वो 1000 रुपये निकाल के कटौती करनी पड़ती है, तो ये चार्ज बहुत ज्यादा है। इसके लिए तो मैं भी कहूंगा कि सरकार इस चीज पे सरकार को सोचना चाहिए कि इतना चार्ज ना लिया जाए। 100, 250, 60 रुपए की बात होती है तो आदमी फिर भी एक बार को ये टैक्स पे कर देता कि चलो ठीक है हमारी गलती है, हमने लिंक नहीं कराया, उसका चार्ज हम भुगत लेंगे। उतना 1000-1000 रुपए का चार्ज भुगतना कोई छोटी बात नहीं है, सरकार ये बिल्कुल ही गलत कर रही है एक तरह से। अगर नहीं भी लिंक कराते हो फिर आपको अपना पैन कार्ड में आने वाले टाइम में इश्यू हो जाएंगे, आपका जो पैन कार्ड है वो इनऑपरेटिव हो जाएगा, और जिससे आने वाले समय में बहुत समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं। तो इन समस्या को फेस ना करें अपने भविष्य में, तो इसके लिए आप अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक जरूर करवाएं। अब मैं लिंक आधार पर क्लिक करता हूँ, तो इस तरीके से आपको अपनी डिटेल फिर से फिल करनी है, पैन कार्ड आधार कार्ड नंबर, और यहाँ पे कुछ नोट दिए हुए हैं इन्हें आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि आप NRI ना हो, नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया, 80 से ऊपर आपकी एज है तो भी आपको ये नहीं करना है, स्टेट ऑफ रेजिडेंट इन असम, मेघालय और जम्मू कश्मीर के लिए भी ये चीजें नहीं है। ठीक है, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, क्रेडिट पे क्लिक कर देना है, कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पे टैक्स, इस पे यस करना है आपको,
यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर डाल देना है। इस तरीके से दोबारा पैन नंबर कंफर्म करना है और यहाँ अपना मोबाइल नंबर आप डाल देना है, फिर से कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ कुछ ओटीपी आपके मोबाइल पे गए हैं, उसे आप यहाँ पर फिल कर दीजिए, फिर से इसे कंटिन्यू कर दीजिए। यहाँ आपको अपना नाम देखने को मिल जाएगा जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे इसे। अब आपका नाम अगर एग्जैक्ट फिल हुई है तो फिर से आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलेंगे। इन तीन ऑप्शन में से आपको जो चूज करना है वो है इनकम टैक्स का ऑप्शन। इनकम टैक्स के ऑप्शन पे आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। आप ध्यान रखिए बाकी दो पे क्लिक ना करें, ठीक है? तो इनकम टैक्स पे प्रोसीड कर दीजिए। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे असेसमेंट ईयर की बात करेगा, तो आपको यहाँ पे 2023 और 2024 का असेसमेंट ईयर लेना है, और यहाँ पर आपको टाइप ऑफ पेमेंट में जाना है, और अदर रिसिप्ट 500 पे आपको क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ से फिर से कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पे सारे चार्ज मिला के 1,000 रुपये की पेनल्टी देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे इसे कंटिन्यू पे आपको फिर से क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आप जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, पे एट बैंक काउंटर, RTGS, NFT या पेमेंट गेटवे, तो उससे आप अपनी पेमेंट इजिली कर सकते हैं। तो मैं यहाँ डेबिट कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपको डेबिट कार्ड में अपना ऑप्शन ना देखने को मिले तो आप पेमेंट गेटवे पे जाके भी इसे चूज कर सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे मैं इसमें से कोटेक चूज कर लेता हूँ। अब यहाँ पे नाउ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ नीचे की तरफ आएंगे, आप यहाँ पे अपने टर्म एंड कंडीशन को एग्री करना है और सबमिट टू बैंक पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आपसे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अगर आपके पास ऑप्शन आता है तो जरूर फिल कीजिए, क्योंकि उस पर आपका एक्नॉलेजमेंट जाएगा जो आपने पेमेंट की है। अगर आपके पास कोई GST नंबर है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, फिर आपको अपनी डिटेल फिल करनी पड़ेगी, और नहीं है तो आई हैव अंडरस्टूड द टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करें और यहाँ प्रोसीड पे क्लिक कर दें। इस तरीके से QR कोड देखने को मिलेगा। आप किसी भी एप्लीकेशन से इस QR कोड को स्कैन करना और पेमेंट करनी है। जैसे ही आप पेमेंट को डन कर देते हैं वैसे ही आपको यहाँ सब इस तरीके से एक डिटेल देखने को मिलेगी जो कि होगा द चालान पेमेंट इज सक्सेसफुल। अब यहाँ से आपने जो अपना चालान भरा है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपको इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम यहाँ से नहीं आएगी। इसके भी आप पे एक वीडियो और भी बनाने वाला हूँ जिसमें मैं ये बताने वाला हूँ किन लोगों को ये सब फिल करना है, क्या फीस देना जरूरी है या नहीं है, और कितनी फीस मैक्सिमम दे सकते हैं और मिनिमम कितनी फीस दे सकते हैं, और इन सभी चीजों के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।